एवरीवन वेलकम टू रारा। आज मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो कर रही हूँ क्योंकि मैं इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर चुकी हूँ और ये एक शीट मास्क रिव्यू है। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं है, तो इस वक्त मैं ये दिखाने वाली हूँ कि मैंने किन किन शीट मास्क को अप्लाई किया है और अभी एक शीट मास्क अप्लाई करके दिखाऊँगी। तो ये नायका स्किन सीक्रेट शीट मास्क का रिव्यू मैं लेकर के आ गई हूँ फाइनली, एंड इस वक्त मैं इसको अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। बात करूँ मैं इन शीट मास्क की, तो नायका का जो ये पर्ल प्लस हैल्यूरोनिक एसिड वाला है जो ब्राइटनिंग के लिए है, ये मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, एंड टी ट्री एलोवेरा फॉर क्लियर एंड मॉइस्चराइज्ड स्किन इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ। ऑफ लेमन को इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेमन प्लस हनी फॉर लाइटेंड प्लस ग्लोइंग स्किन के लिए, रोज़ प्लस गोट मिल्क फॉर नरिश्ड एंड रेडियंट स्किन के लिए। ये सारे ऑलमोस्ट मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मैंने फेके इसलिए नहीं है, पहली बात तो मुझे रिव्यू में दिखाने थे, प्लस इसमें एक्स्ट्रा सेरम बचा हुआ है, यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे। इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ और जब भी इंस्टेंट शीट मास्क से जब मैं शीट मास्क को डिप करके इसमें जब अप्लाई करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली स्किन में हेल्प होता है कि इसमें जो सेरम है उसको और एक्स्ट्रा जो शीट मास्क है मेरे पास उनको लेकर के, जो टैबलेट शीट मास्क होती हैं उनको मिक्स करके अप्लाई करती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसका सीरम यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं दिखाने वाली हूँ नायका स्किन सीक्रेट शीट मास्क राइस प्लस कैमेलिया फॉर नरिश्ड प्लस रेडियंट स्किन। यू कैन सी दिस इज़ मेड इन कोरिया प्रोडक्ट, और एक शीट मास्क की कीमत जो है वो 100 रुपये है, लेकिन कभी कभी buy 7 get 7 करके मिल जाती हैं, जो आपकी स्किन को क्लीन करेगी और रिलैक्स करेगी, और आप इसका इफ़ेक्ट अभी देख पाएंगे मेरी स्किन पर। इसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट हैं और जो कि फुल्ली सेफ़ हैं, और इसको आप आइज़ से दूर करके लगाएं एंड ठीक से लगाएं। बात करें इसके साइज़ की, इसका साइज़ एकदम परफेक्ट है, फुल फेस पर आ जाता है ये, और 3 साल से छोटे बच्चों के फेस पर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। 3 साल तक इनफैक्ट बच्चों को इस तरीके की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये एक वेगन प्रोडक्ट है, क्रूअल्टी फ्री है, 36 महीने इसकी शेल्फ़ लाइफ है, यानी कि 3 साल। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, सिंपली यहाँ से इसको ऐसे फाड़ करके और आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, जैसे कि मेरा फेस इस वक्त क्लीन है। और अगर आप चाहें तो टोनिंग भी कर सकते हैं बिफोर मास्किंग, और उसके बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पर लगा करके छोड़ दीजिए। एंड ये जो शीट मास्क है इसके बारे में मैं बता दूं, हाई इन मिनरल कंटेंट एंड गैराज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइस एक्सट्रैक्ट बैलेंस द सेबम जनरेशन एंड इम्पार्ट अ नेचुरल ग्लो टू गिव यू ब्राइटेंड स्किन, वन ऑफ द मोस्ट ट्रीजर्ड ब्यूटी सीक्रेट ऑफ जीशा, कैमेलिया सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट इम्प्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन एंड इम्पार्ट इंटेंस नरिशमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पोटेंट इंग्रेडिएंट गिव्स यू अ फ्लॉलेस रेडियंट लुक। तो अभी मैं ये शीट मास्क अप्लाई करने वाली हूँ, और शीट मास्क मैंने अलग अलग बहुत सारे ब्रांड के इस्तेमाल किए हैं, फेस शॉप के सबसे ज़्यादा, बट नायका के शीट मास्क मुझे इसलिए अच्छे लगे क्योंकि एक तो इनका जो कॉटन है, जो शीट है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, प्लस इसकी जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। यू कैन सी इसमें से एक्स्ट्रा सीरम जो है वो निकल रहा है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं जिससे कि ये गिरे नहीं, ठीक है। और इसको ठीक से खोलें जिससे कि ये गलत ना फटे, ऐसे करके होता है। और शीट मास्क इसलिए भी अच्छे लगते हैं मेरे को क्योंकि शीट मास्क इस्तेमाल करने के बाद आपको एज सच वॉश करने का झंझट नहीं होता है, और आप इसे मेकअप से पहले अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। आप ज़रा इसका साइज़ देखिए कितना परफेक्ट है इसका साइज़। बहुत ही बढ़िया। साइज़ वाइज ये बहुत अच्छी है, मतलब इसका टेक्सचर इतना अच्छा है, ध्यान रखा गया है शीट मास्क को लॉन्चिंग के समय पे, ऐसा लग रहा है हर चीज़। वरना किसी किसी शीट मास्क में यहाँ पे बहुत कम होता है। एंड यू कैन सी, और थोड़ा बहुत तो श्रिंकीनेस होती ही है शीट मास्क पे, तो इसको 15 मिनट में लगा करके छोड़ देती हूँ। और वैसे तो ये 15 मिनट में भी उतनी ड्राई नहीं होगी, क्योंकि इसको ड्राई होने में कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है, इसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र और सीरम होता है। बट जो इसमें एक्स्ट्रा सीरम है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ठीक है, यू कैन सी हियर। तो इसको आप इस तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं अगले किसी और बार लगाने के लिए। बात करें इन शीट मास्क के तो बारे में, तो चलिए बात कर रहे थे, क्योंकि मैं ज़्यादातर सभी के बारे में बता रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी? पर्ल प्लस हाइलुरोनिक एसिड इज़ मस्ट हैव, टी ट्री प्लस एलोवेरा इज़ मस्ट हैव, बिकॉज आपकी स्किन को क्लियर एंड मॉइस्चराइज करती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड जो लेमन और हनी वाली है वो तो एवरीडे एसेंशियल है, मतलब वो आपके पास होनी चाहिए। एंड ब्राइटनिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो आप गूसबेरी पपाया ले सकते हो, बट ब्राइटनिंग से ज़्यादा स्किन मॉइस्चराइज और क्लियर होनी चाहिए, ब्राइटनिंग इज़ नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम। एंड अगला मैं बताऊँ, रोज़ प्लस गॉट मिल्क इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। आई डोंट लाइक दिस टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा नरिश्ड और रिवाइटलाइज करती है, तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ वाली जो जिनको चाहिए उनके लिए अच्छी है, मुझे नहीं ऐसा चीज़ इतनी अच्छी लगी अभी। और चारकोल प्लस बैम्बू उनके लिए अच्छी है जो एवरीडे बाहर निकलते हैं, ये आपकी स्किन को प्योरीफाई एंड नरिश्ड करेगी। एलोवेरा जिनको बहुत ज़्यादा यू नो इस्तेमाल करने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है, तो आप वो एलोवेरा वाला ट्राई कर सकते हो। और भी जो शीट मास्क है नायका की, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, मैंने मंगवाई नहीं, मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपको buy 7 get 7 में पूरी 14 मिल रही है तो आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी है। तो अभी हम इसको ड्राई होने देते हैं और उसके बाद मैं इसे रिमूव कर दूँगी। तो दोस्तों इसको हो गए हैं 15 मिनट कंप्लीट, और अब मैं इसे जो है वो रिमूव करने वाली हूँ। और क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको अगर बिना मेकअप के इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब यू नो एनी टाइम, नाइट टाइम में या डे टाइम में, तब आप इसको कैसे रिमूव करें या फिर इसको किस तरीके से इसको यूज़ करें। तो ऐसे करके मैंने इसको रिमूव कर दिया है, और जेंटली मेरी स्किन आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी नज़र रही होगी आपको। एंड दिस इज द शीट, यू कैन सी। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त जो फेस सीरम है वो मेरे फेस पर जो है वो ग्लो कर रहा है, जो शीट मास्क के अंदर था। और जो स्किन पर इतना एक्सेस ये लगा हुआ है, आप इसको इस तरीके से चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, चाहे तो आप इसको मसाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेकअप से पहले लगा रहे हो तो आप इतना ज़्यादा सीरम लगा करके उसमें मेकअप नहीं टिका सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा लगा हुआ है, क्वांटिटी ज़्यादा है। बट फिर भी आप इस तरीके से बहुत ही जेंटली जो है वो मसाज कर सकते हैं, बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी स्किन। और आँखों के आसपास जो डार्क सर्कल या फिर जो स्किन जो श्रिंक हो जाती है, सुकड़ी सी लगने लगती है, मतलब अजीब सी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उससे आपको निजात मिल जाएगी शीट मास्क का रेगुलर इस्तेमाल करने से। लेकिन मेकअप से पहले आप क्या करें, इस तरीके से कॉटन ले लें, ड्राई कॉटन, कॉटन वाइप ले सकते हैं, और आप ऐसे करके एक्सेस फेशियल सीरम को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज तो रहेगी ही, जो कि मैं करती हूँ, मैंने वही आपको बताया है, और डीपली मॉइस्चराइज रहेगी, एक अच्छी सी लेयर बन जाएगी मॉइस्चराइजेशन की, और आपको कोई एक्सेस मेकअप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसको पलट करके फिर आप इस तरीके से पोंछ लीजिए। जी हाँ, तो जितना एक्सेस फेशियल सीरम था वो सब निकल गया है, और आप चाहें तो इसे डैप करके भी निकाल सकते हैं। और बस इतना करने के बाद आप देख रहे हैं अब मेरी स्किन जो है सुपर सॉफ्ट, सुपर हेल्दी लग रही है और बिल्कुल स्टिकी नहीं लग रही है। तो इसके बाद आप कोई भी अच्छा मेकअप अप्लाई कर लीजिए और बस इस कॉटन को आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरी स्किन हो गई है हेल्दी, पहले से कहीं ज़्यादा नरिश्ड। और क्योंकि मैंने रेडियंट वाला ट्राई किया था तो इससे मेरी स्किन जो है वो रेडियंट भी हो गई है नरिश्ड होने के साथ साथ। तो ये जो नायका की शीट मास्क है ये बहुत अच्छी हैं और ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है, इन्हें मैंने बहुत समय पहले ख़रीदा था, आपने देखा होगा मेरे हॉल वीडियो में। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल रारा को। मेरे अनदर चैनल्स को ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मैं बहुत पास से, बहुत क्लोज़अप में आकर के आपको प्रोडक्ट और फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ, जिससे कि आपको समझ आए कि एक्चुअल में लुक क्या है, किस तरीके से काम कर रही है चीज़। तो देखा आपने। और अब आप इसके बाद मैं चाहूँ तो मेकअप कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो कोई भी कॉम्पैक्ट अप्लाई कर सकती हूँ, कोई भी डे क्रीम भी लगा सकती हूँ, सनस्क्रीन लगा सकती हूँ, कुछ भी लगा सकती हूँ। तो मेरी स्किन हो गई है बिल्कुल हेल्दी। इनफैक्ट आप अगर डे टाइम में भी इसको नहाने के बाद भी प्रोसेस करते हो, अगर आपके पास टाइम है स्पेशली संडे को, तो भी आपकी स्किन दिन दिन बहुत अच्छी होती चली जाएगी, ये देख रहे हैं आप। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको और भी शीट मास्क के रिव्यू देखने हैं तो आप ज़रूर से चेक करिएगा मेरे चैनल पर। और मेकअप से पहले ये कॉटन से लेकर के ज़रूर से पूरा एक्सेस फेशियल सीरम पोंछ दे, जिससे कि फेस जो है वो क्लीन और क्लियर रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड ये नायका की शीट मास्क 10/10 है प्रोडक्ट सारे, तो आप ज़रूर से ये ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा आपको ये शीट मास्क कैसी लगी और आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, डेमो कैसा लगा। और आप इसमें से कोई सी भी ट्राई कर लो, आपकी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, आपकी स्किन को हेल्दी ही बनाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय। और मैं अनदर शीट मास्क के रिव्यू लेकर के आऊँगी बहुत जल्दी।